हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक एडवांटेज ऑफ ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन ओके सो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट इज वेट कंप्रेशन इज अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूस द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वेट कंप्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स सी हीयर दिस इज द टी एस डाइग्राम ओके दिस इज सेचुरेटेड लिक्विड लाइन सैचुरेटेड वेपर लाइन ओके फ्रेंड्स अगर हम वेट कंप्रेशन करेंगे तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इज वन दिस पॉइंट इज टू तो हमारा वेट कंप्रेशन जो है लिक्विड प्लस वेपर रीजन में होता है ओके okay. तो यहां पे क्या होगा दिस इज द इंड ऑफ द कंप्रेशन दिस इज इंड ऑफ द कंडेंसर

अगर हम इसे ड्राई कंप्रेशन करेंगे तो लेट सपोज इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल गो टू हियर, ओके तो इतना क्या होगा दिस वन टू वन डैश वन टू वन डैश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा व्हेन वी डू ड्राई कंप्रेशन ओके फर्स्ट केस फोर टू वन इज देयर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बट वेन वी डू ड्राई कंप्रेशन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल इंक्रीज ओके तो वेट कंप्रेशन से क्या होता है हमारा रेफ्रिजरेटिंग uh, इफेक्ट कम होता है ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वेट कंप्रेशन इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर हम ड्राई कंप्रेशन करेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है इनक्रीज करेगा ओके हीट एब्जॉर्शन कैपेसिटी इनक्रीज करेगी सेकेंड पॉइंट इज डैट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में डैमेज द कंप्रेशन वॉल और सिलेंडर हेड फ्रेंड्स क्या होता है कि इस केस में वेट कंप्रेशन के केस में लिक्विड प्लस वेपर दोनों कंप्रेस होता है तो लिक्विड पार्टिकल क्या हो जाएगा अगर वह कंप्रेसर के वाल में कहीं जाकर डिपॉजिट हो गया यहाँ पर यहाँ पर तो यहाँ पर क्रोजन फॉर्म कर सकता है कोरोजन फॉर्म करेगा तो क्या होगा वियर एंड टीयर होने के चांसेस हो सकते हैं तो यह है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जो वेट कंप्रेशन है जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द कंप्रेशन वॉल ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिक्विड रेफ्रिजेंट में डैमेज द कंप्रेशन वॉल ड्यू टू कोरोजन ओके थर्ड पॉइंट इज दैट द लिक्विड रेफ्रिजेंट में वॉस अवे लुब्रिकेटिंग ऑयल दस इंक्रीज वियर एंड टीयर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है अगर वेट कंप्रेशन होगा तो लिक्विड भी होगा तो लिक्विड क्या होगा अगर इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है कंप्रेसर के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो वह उससे मिक्स हो हो जाएगा अब मिक्स होकर के उसको भी डिटोरिएट करेगा डैमेज करेगा उसको वास्ट अवे कर सकता है तो इस केस में क्या हो जाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल फिनिश हो जाएगा तो वियर एंड टीयर के चांसेस बढ़ सकते हैं तो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेज व्हेन वी आर डूइंग द वेट कंप्रेशन तो यह सब जो है ख़त्म हो सकते हैं जब हम उसे ड्राई कंप्रेशन और सुपर हीटेड कंप्रेशन हम करते हैं तो ओके फ्रेंड्स सो दीज आर द एडवांटेज सो हमें क्या करना चाहिए सो स्लाइड सुपर हीट रेफ्रिजरेंट इज ऑलवेज डिजायरेबल तो हम रेफ्रिजरेंट को स्लाइट सुपर हीट करके ही उसे कंप्रेस करते हैं ओके फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स थैंक यू